तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक अपडेट, हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज हम देखेंगे 6th सेमेस्टर के वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के इस चैप्टर को, यानी कि इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस मीन्स क्या होता है? वायरलेस मीन्स होता है आपका तार रहित, और कम्युनिकेशन माने तो आप लोग जानते हैं संचार। संचार क्या होता है? जैसे आप कोई भी डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, उसको आप एक आदमी से दूसरे आदमी तक उसको प्रेषित कर रहे हैं, यानी कि पहुंचा रहे हैं, और उसके समझने योग्य, मतलब उसके समझने योग्य लैंग्वेज में आप उसको बता रहे हो। तो ये जो पूरा मेथड है, जो पूरा प्रोसेस है, ये जो है आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ, जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक, तो वायरलेस कम्युनिकेशन, देखिए जो कम्युनिकेशन होता है आपका, ये जो कम्युनिकेशन होता है आपका, ये लैटिन शब्द के कम्युनिकेयर के, कौन सा? कम्युनिकेयर, इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मतलब शेयर करना, समथिंग शेयर करना। तो यही यहाँ पे होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, इस प्रोसेस को आपको कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्लाउड सैनन और वारेन वेबर कौन थे? क्लाउड शैनन और वारेन वेबर, इन दोनों के अनुसार जो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल है, उसमें ये सब एलिमेंट आपके, ये सब जो आप देख रहे हैं इधर, मैंने इधर लिस्टेड कर दिया है उन सब एलिमेंट को, ये सब एलिमेंट आपके आते हैं। तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं इन एलिमेंट्स में क्या है ये एलिमेंट्स और क्या करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको इरेज कर देते हैं। नाम आप लोग याद रखिएगा, वारेन वेबर और क्लाउड शैनन। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोर्स। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है? जैसे कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर, कोई पत्रकार यानी कोई जर्नलिस्ट है, तो उसके लिए न्यूज़ इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होगी? न्यूज़ या फिर वही आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गई दो गाड़ियों की, ठीक, दो गाड़ियों की एक्सीडेंट हो गई, तो ये आपका, ये जो इंसिडेंट है ये आपका न्यूज़ बन गई, मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है, कि अब वो बता सकता है लोगों को कि यहाँ पे इस जगह पे XYZ वाहनों की टक्कर हो गई है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक, और जिसके द्वारा ये वो न्यूज़ मीडिया को बताएगा, मतलब आप लोगों को बताएगा, वो जो प्रोसेस होगा वही आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक, तो हाँ, तो अब हमारा आता है ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर किसी मैसेज को एनकोड करता है, उसके बाद उसको किसी एंटीना या फिर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक, और वहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है जो कि इसको रिसीव करके फिर मैसेज सिग्नल को डिकोड करके आपको सुनाता है। तो ये सब आपका ट्रांसमीटर हो गया। ट्रांसमीटर क्या करता है? जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन को लेगा, उसको मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको एनकोड करेगा। एनकोड करने को मैसेज सिग्नल, देखिए क्या होता है, जो नेसेसरी होता है। अब
इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से आप में से सिग्नल को टिक करेंगे या फिर मतलब उसमें से छांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा मैसेज सिग्नल, यानी कि ये लाइन आपकी मैसेज सिग्नल में भेजने लायक नहीं है, तो ये डाटा जो है आपका मैसेज सिग्नल हो गया। इसको फिर इनकोड करेगा, इनकोड करने के बाद ट्रांसमीटर से भेज देगा। इतना तो आपको बता चुके हैं, अब इसमें आपको पार्शियली बताया जाएगा, आगे आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट आता है चैनल। चैनल समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये कोई रास्ता है और उस रास्ते पे ये कोई गाड़ी है, ये जो है जा रही है ऐसे, ठीक, और ये बंदा है कोई, ये बंदा है, ठीक। तो इस बंदे को मान लो ये जो है क्या है, इन्फॉर्मेशन है, और ये जो आपका बस है वो ट्रांसमीटर, क्योंकि यही आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। आपको मान लीजिए इस बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक, तो कैसे जाएगा, या तो वो पैदल जाए या तो इस बस से जाए। तो अगर ये दूरी लंबी है, मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से वहाँ तक जाना तो जाहिर सी बात है कठिन है। तो अब जो है ये बंदा आपका, हम ग्रीन ले लेते हैं, अब ये बंदा जो है आपका इस बस में चढ़ेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है आपका इनकोड होके मैसेज सिग्नल में बदल चुका है। अब ये जिस रास्ते से जाएगा, अब भाई ये सड़क है, रूट है, इसी रूट से जाएगा, तो ये जो रूट हो गया वो आपका चैनल, यही आपका चैनल कहलाता है। मतलब जो रूट होता है वो जिस रूट से आपका मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होता है या फिर ट्रांसमिट होकर रिसीवर तक पहुंचता है, उस रूट को ही हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। मतलब बाय विच रूट द मैसेज सिग्नल डिलीवर्ड टू द रिसीवर इज कॉल्ड चैनल, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉइज सोर्स। जाहिर सी बात है अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन हो रहा है तो नॉइज आपने पढ़ा ही होगा, मतलब जो सिग्नल मैसेज सिग्नल में आपका मैसेज सिग्नल में डिस्टोर्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक। मैसेज सिग्नल में डिस्टोर्शन यानी कि आप उसको छेड़ रहे हैं, यानी कि आप यहाँ से मान लीजिए मैसेज भेजा आपने 23 और वहाँ जाके उसको मिल गया 32, तो यहाँ पे उसके सिग्नल में डिस्टोर्शन होगा जिससे उसको मैसेज उल्टे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब नॉइज सिग्नल होते हैं। कैसे, जब कभी कभी आप बात करते हैं, मान लीजिए मोबाइल को ही ले लीजिए, ठीक, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब कॉल लगती है, कभी कभी बीच में गनगनाहट की आवाज़ आती है बहुत तेज, कभी कभी कुछ और आवाज़ें आती है, लेकिन जो इधर से कॉल मिला रहेगा उसको ये आवाज़ें नहीं सुनाई देती है, केवल जो दूसरे एंड पे होता है, जो सुन रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, उसको सुनाई देती हैं। या तो इसको नहीं सुनाई देंगे, इसको सुनाई देंगे, या फिर एक समय आता है दोनों को सुनाई देते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक साथ साथ रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। जब ये बोलेगा ये रिसीव करेगा, ये बोलेगा तो ये रिसीव करेगा, ये सब होता है। तो आपको आगे ये भी बताया जाएगा कि टू वे ट्रांसमिशन मतलब टू वे इन्फॉर्म कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक। तो यहाँ जो आपको गनगनाहट सुनाई देती है वो आपका नॉइज होता है, तो वहाँ पे नॉइज सोर्स भी होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो नॉइज सोर्स ये हो गया आपका कि जब आप चैनल में ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए अब बस ही वाला समझा देते हैं आपको कि ये आपका बस वाला रास्ता है और ये आपकी बस जा रही है, मतलब गाड़ी जा रही है। अब यहाँ पे कई सारे ब्रेकर्स हैं, तो यहाँ पे जाएगा तो ये उछलेगा, हो सकता है कुछ ख़राब हो जाए, तो आप ख़राब हो जाए, जैसे उछला आप बैठे हैं इसमें, आपके सिर में चोट लग गई, तो ये तो आपका ट्रांसमीटर है और उसमें डाटा, आप बैठे थे, आपके सिर में चोट लगी, तो वहाँ वही चीज़ डिस्टोर्शन होता, मतलब जो सिग्नल को हार्म पहुँचाए, मतलब नुकसान पहुँचाए, तो ये जो ब्रेकर हो गए ये आपके डिस्टोर्शन या फिर इसको कहते हैं नॉइज सोर्स हो जाएगा। चैनल मतलब रूट में जो बैरियर उत्पन्न करते हैं वही आपके नॉइज सोर्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है रिसीवर। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिसीवर। जब यहाँ से आप मैसेज सिग्नल से इन्फॉर्मेशन आपका मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिला, आपने उसको एनकोड किया,
एनकोड किया, उसको ट्रांसमिट किया। ठीक, अब ट्रांसमिट किया तो वहाँ से आपको रिसीव करने वाला कोई आना चाहिए है, तो रिसीव यहाँ पे आपका रिसीवर हो जाएगा। और रिसीवर क्या करता है, जो आप मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते हो उसको रिसीव करता है, मतलब उसका केवल इतना काम होता है जो आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया उसको अच्छे से वो रिसीव करे। तो ये था रिसीवर का फैक्ट। ठीक, तो आप लोगों को एक और उदाहरण देके समझा देते हैं। ठीक, मान लीजिए आप पहली बार यूपी से किसी रिश्तेदार यानी किसी रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली जा रहे हैं। ठीक, तो रास्ता बहुत लंबा है, ऐसे 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 मान लीजिए आप स्टेशन पे पहुँच गए, तो यहाँ से डाटा आप हैं ट्रेन या फिर कुछ भी, आप किसी भी पाथ से, किसी भी रूट से, किसी भी चैनल से आप मान लीजिए यहाँ तक पहुँचे स्टेशन तक। ठीक, तो ये तो आपकी डेस्टिनेशन है नहीं, नीचे आपको देखिए डेस्टिनेशन अभी आगे बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ आपको पहुँचना है रिश्तेदार के यहाँ आपको पहुँचना है। अगर यहाँ पे कोई रिसीवर यानी कि आपका रिश्तेदार कोई भी हो वो रिसीव करने ना आए तो आप यहाँ पे खो जाएंगे, मतलब सही जगह नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपका जो डाटा होगा वो भेजने से क्या फ़ायदा, ट्रांसमिट करने से क्या फ़ायदा, जब वो सही जगह पहुँच ही नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर कोई रिसीवर आ जाए तो आप उसके साथ मिलकर आराम से सही जगह जा सकते हैं, वो आपको पहचान लेगा और आपको लेके चला जाएगा सही जगह। तो रिसीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कम्युनिकेशन में रिसीवर और ट्रांसमीटर, और जहाँ तक देखा जाए कम्युनिकेशन मॉडल में हर एक एलिमेंट अपने अपने जगह पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नया हो तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक आपके आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज या फिर डाटा आपको कोई भेजना रहता है उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो डेस्टिनेशन जैसे आप यूपी से गए अपने किसी रिश्तेदार दिल्ली के, दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, तो जब उसके घर आप पहुँच गए तो उसका घर ही आपका डेस्टिनेशन है, और जो आपको लेने आया था वो आपका रिसीवर है। ठीक, तो इसका मतलब आपको रिसीवर भी पता चल गया और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ आपको जाना, लास्ट एंड। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इससे शॉर्ट मतलब शॉर्ट टाइप जो आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस यहाँ से आपको छः है, छः क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब पूछ देगा इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है पहला नंबर, या फिर कह देगा ट्रांसमीटर क्या होता है, फिर चैनल क्या होता है, फिर अगला नंबर आपका हो जाएगा नॉइज सोर्स क्या होता है, चौथा नंबर आपका हो जाएगा डेस्टिनेशन क्या होता है, ठीक रिसीवर क्या होता है, तो ये सब आपका ट्रांसमीटर क्या होता है, ये सब आपका क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से आप लोग एक जैसे नोटबुक या बुकलेट बना सकते हैं जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन छांट के लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ एग्जाम में आना है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, तो जब एग्जाम आएगा तो आपको तैयार करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं जैसे देखिए संचार पद्धतियों में कम्युनिकेशन चैनल में ये एक ब्लॉक मॉडल है, हम आपको बना के बता दे रहे हैं। देखिए शॉर्टकट में ये आपका हो गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करता है ठीक, तो वो कम्युनिकेशन चैनल यानी कि कम्युनिकेशन चैनल मैंने आपको बताया था उसी के रूट के द्वारा, चैनल क्या होता है उसको रूट देता है कि आपको कहाँ जाना है मैसेज सिग्नल को। ठीक, कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा ये कहाँ तक पहुँचता है, आप कहाँ गए थे यूपी से दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यानी कि डेस्टिनेशन, ये आपके शॉर्ट्स एकदम मतलब एकदम शॉर्ट में आपका ब्लॉक डायग्राम है। आप केवल ट्रांसमीटर बना दीजिए, चैनल बना दीजिए और डेस्टिनेशन बना दीजिए, और आप चाहें तो बीच में रिसीवर भी बना सकते हैं। रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसीवर नहीं आएगा तो आप दिल्ली पहुँचेंगे कैसे, तो रिसीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए और उसका मॉडल का एक ब्लॉक डायग्राम मतलब चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है उसमें कम्युनिकेशन में। देखिए ये आपका कम्युनिकेशन चैनल के कुछ टाइप हैं। देखिए आपका जो है ये कम्युनिकेशन चैनल हो गया मेन, ये कैसा होता है गाइडेड वायर्ड का और गाइडेड, वायर्ड और गाइडेड मतलब या वायर्ड रहेगा या फिर गाइडेड मतलब दैसिक होगा या फिर वायरलेस या अनगाइडेड, अदैसिक या तार रहित। तो इस चैप्टर में आपका मतलब जोर दिया गया है वायरलेस कम्युनिकेशन पे, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं वायरलेस और वायर में क्या डिफरेंस था। ठीक, तो देखिए वायर्ड में देखिए ये एक आपका दे दिया है ट्विस्टेड पेयर वायर, फिर कोएक्सियल केबल, फिर ऑप्टिकल फाइबर।
तो इसके पहले आता था एक पैरेलल, आप लोग देखे होंगे जब पहले के ज़माने में टीवी चलता था तो एंटीने से एक वायर आता था जिसमें ऐसे किनारे किनारे पे एक मोटे मोटे प्लास्टिक लगे थे, बाकी ऐसे रिबन की तरह होता था वो, तो वो पैरेलल केबल होता था। तो उसमें जैसे कहीं पे अगर वो करंट एसी करंट के संपर्क में आता था, उसके मतलब जो उसका डाटा आता था रिसीव करके उसके डिस्टोर्शन होता था, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता था, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहाँ पे एसी होगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिससे उसका डाटा जो है डिस्टोर्ट हो जाता था। तो उसको यूज नहीं किया गया, यहाँ पे केवल तीन ही बताया गया। उसके बाद आया आपका ट्विस्टेड पेयर वायर, इसमें जो है कम डिस्टोर्शन होता था इसके मुकाबले, ठीक। कुछ दिन तक ये चला, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर, तो आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पे तार जो होते हैं आपस में लिपटे हुए होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर होते हैं। उसके बाद आया कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल इस समय तो बहुत जगह देखने को मिल रहा है, जो आपके केबल टीवी होते हैं उसमें भी कोएक्सियल केबल होता है, जो आपके डीटीएच से आते हैं तार उसमें भी कोएक्सियल केबल, उसमें बीच सेंटर में एक केबल रहेगा कॉपर का, उसके बाद उसमें जैकेटिंग की रहेगी प्लास्टिक की या फिर रबड़ की, उसके बाद ऊपर से और तार रहते हैं, तो ये कोएक्सियल केबल होता है। मतलब उसमें एक्सिस, उसका एक्सिस जो है एकदम इक्वल रहता है हमेशा, ठीक। उसके बाद आया सबसे बेटर और अभी तक चल रहा है जो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मतलब एक प्रकार का तार ही होता है, आप उसको कह सकते हैं, या फिर ये इसमें एक ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये आपको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर इस समय चल रहा है, जो वाईफाई आप लोग ब्रॉडबैंड जो लेते हैं एयरटेल और वगैरह कंपनी से, तो यहाँ से वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही आप तक पहुँचाए जाते थे, ठीक। उसके बाद जब हमारा वायरलेस शुरू हुआ तो उसमें देखिए टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव आया, फिर सैटेलाइट माइक्रोवेव आया, फिर ब्रॉडकास्ट रेडियो आया, तो ये सब भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमें और क्या देखना है। हाँ तो देखिए अगला हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स, तो ठीक इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक में। हाँ तो डाटा कम्युनिकेशन में हमारा जो पहला होता है वो है टेलीग्राफी, क्या है हमारा टेलीग्राफी कम्युनिकेशन, ठीक। टेलीग्राफी में क्या होता है, इसमें जो हमारे लिखित सब मतलब कोई डाटा है वो रिटेन में है, ठीक। मान लो कोई है राम जाता है, आपको इसको ट्रांसमिट करना, ठीक। तो इसे मूल रूप में ट्रांसमिट करना पहले मतलब बहुत कठिन था, तो उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो टेलीग्राफी द्वारा भेजी जाती थी उसमें एक कोड यूज किया जाता, इसको मतलब एक कोड में कन्वर्ट किया जाता था, ठीक, जिसे हम मार्स कोड कहते हैं। उसी कोड को फिर ट्रांसमिट किया जाता था, मान लो इसको कोड में बदल लिया, फिर उस कोड को ट्रांसमिट किया गया, फिर वहाँ पे इसको रिसीव किया गया, फिर इसको डिकोड किया गया, ठीक। तो हमें एक्चुअल मैसेज ये जो राम जाता है वो मिल जाता है, ठीक। तो वो कोड होता क्या था, वो कोड हम मार्स कोड यूज किया जाता था उस समय, ठीक। हर एक कैरेक्टर का जैसे ABCD हर एक कैरेक्टर का अलग अलग कोड होता था, ए डॉट और डैश से बनता था, ठीक। ए का जो होता है वो डॉट डैश, और बी का क्या होता था डैश डॉट 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 डॉट, ऐसे ही होता था, ठीक। और मान लीजिए एक का क्या होता है, एक का होता है डॉट डैश 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 डैश, ठीक। और उसी प्रकार जैसे वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं डॉट सिंबल मतलब क्वेश्चन मार्क कॉमा, तो उसमें जो हमारा डॉट होता है उसका होता था डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश, तो ये हमारा होता था मॉर्स कोड, ठीक। तो मॉर्स कोड आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके कि मॉर्स कोड हर एक अल्फ़ाबेट के लिए क्या होता है, वैसे उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको जानना है तो आप लोग जान सकते हैं, ठीक। तो उसमें कैसे होता था, एक एक आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी भी मतलब मूवी में पुरानी मूवी में जब ट्रांसमिशन मतलब किया कम्युनिकेशन किया जाता था, वहाँ पे ऐसे सिग्नल मिलते थे जैसे टूट 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 टूट, मतलब जो हमारे मरीन थे सबमरीन थे उसमें ऐसे सिग्नल यूज किए जाते थे। और उसके बाद हमारा जब ये टेलीफोन इन सब के आविष्कार के बाद टेलीग्राफी का जैसे ज़माना ही ख़त्म हो गया, मतलब उसको अब ज़्यादा यूज ही नहीं करते। टेलीफोनी क्या होता है, इसमें जो है साउंड वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है, इसी को
टेलीफोनी वेव कहा जाता, टेलीफोनी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता था, जो हमारा साउंड वेव होता था उसको एनालॉग विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता था, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक, वैद्युत ट्रांसमिशन द्वारा, सिस्टम द्वारा होता था। फिर इसे जहाँ पे रिसीव किया जाता था वहाँ पे इस सिग्नल को पुनः, मतलब फिर से इसको साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके हमको एक्चुअल मैसेज मिलता था। तो ये आपका टेलीफोनी हो गया। अब आप कहेंगे कि साउंड सिग्नल को कैसे विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर पढ़ा, जो कि साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करता है, माइक। यहाँ पे माइक लगता था जो साउंड सिग्नल को एक्सेप्ट करता था और उसको वैद्युत सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमीटर को देता था। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका स्पीकर लगेगा। स्पीकर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको देता है क्या, एक्चुअल सिग्नल यानी कि साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको अच्छे से बताएगा कैसे स्पीकर साउंड में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक, तो उसे आपको बताना उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, और इसमें आप आ जाएंगे अब डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक, डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या होते हैं उसके एलिमेंट देखेंगे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन पहले होता क्या है, तो डिजिटल, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको बाइनरी, आपको वहाँ पे ज़्यादातर बाइनरी को सुनने को मिला। तो डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन में ये होता था, जो हमारा साउंड होता था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता था एनालॉग, एनालॉग से फिर उसको डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता था। एनालॉग क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि बाइनरी क्या होता है, केवल हाई और डाउन, हाई और लो होता है। ठीक, हाई और लो होता है, तो इसमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था फिर उसको ट्रांसमिट किया था, जो ये मेथड होता था उसको डिजिटल कम्युनिकेशन कहा जाता था। ठीक, अब हमारा आता है पहला, इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स और इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो ये वही हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स या इनपुट ट्रांसड्यूसर, वो मतलब जो आपके माइक हो गए, जो आपका साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है वही आपका इंफॉर्मेशन सोर्स या इनपुट ट्रांसड्यूसर हो जाता है। इसमें आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, मतलब ये वीडियो सिग्नल को भी आप बदल सकते हो, जो कि कैमरे से होता है, कैमरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करो फिर उसको भेज दो। अब तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल आ गया है। तो अब आगे चलते हैं हम, अगला हमारा क्या है, सोर्स एनकोडर एंड डिकोडर। देखिए इसमें दोनों प्रकार, दोनों लिख दिया गया है, सोर्स एनकोडर, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक, सोर्स एनकोडर क्या करता है, सोर्स एनकोडर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर से जो हमें सिग्नल मिलता है उसको एनकोड करता है, मतलब उसको परिवर्तित करता है अदर लैंग्वेज। अगर एनकोडिंग और कोडिंग नहीं करेंगे, मान लीजिए आप आर्मी में हैं और आपने कोई अच्छी सी, मतलब कोई मतलब सीक्रेट बात शेयर की कहीं पे अपने ऑफिसर के पास, तो अगर इनकोडिंग नहीं होगा तो कोई भी उसको सुन सकता है। हैकरों का ज़माना, तो आप जानते ही हैं कि ये सब काम करने के लिए सब उत्सुक रहते हैं कि हमें आर्मी के सीक्रेट्स पता चल जाएं। तो जब एनकोडिंग और कोडिंग नहीं होगी तो आसानी से लोग सुन सकते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, क्या मैसेज जा रहे हैं, तो इसलिए एनकोडिंग और कोडिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो ये क्या करता है, जो हमारा सिग्नल होता है उसको बाइनरी या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जब बाइनरी और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है उसका एनकोडिंग हो गया, मतलब जो हमारा साउंड सिग्नल था वो बाइनरी रूप में एनकोडेड हो गया। ठीक, और उसके इन्फॉर्मेशन का सीक्वेंस, जो बाइनरी में आप जानते हैं सीक्वेंस होता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे जाता है और उसी सीक्वेंस से वहाँ पे फिर डिकोडिंग होती है और उसके बाद हमें अपना आराम से सिग्नल का जो एक्चुअल मैसेज होता है वो मिल जाता है। ठीक, और अगला पार्ट हमारा क्या आता है, सोर्स इनकोडर तो हमने पढ़ लिया, अब डिजिटल मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर पढ़ते हैं। डिजिटल डिमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर मतलब मिश्रित करना, किसी दो चीज़ों को मिश्रित करना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा, अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं 2 किलोमीटर अगर हमारी आवाज़ को जाना है तो आप 2 किलोमीटर तक अगर चिल्लाएं कितनी तेज़ से तो 2 किलोमीटर आपकी आवाज़ नहीं जाएगा, मुश्किल से जाएगा 200 मीटर 300 मीटर जाएगा। तो हमारी जो आवाज़ की सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है, सिग्नल बहुत कम दूर तक जाता है। ठीक,
तो इसको दूरी ज़्यादा दूरी तक करने के लिए इसको हमें हाई फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेट किया जाता है। मतलब ये हमारा मान लीजिए कैरियर सिग्नल हो गया और ये हमारा हो गया अपना वॉइस सिग्नल, ठीक। तो इसको इस पर मॉड्यूलेट किया जाता है, मतलब दोनों को आपस में मिलाया जाता था तो इसको ट्रांसमिट किया, क्योंकि ये हाई पावर फ्रिक्वेंसी है तो दूर तक जाएगा, और इसको रिसीव करके डीमॉड्यूलेट करके इसको अलग कर दिया जाता था और हमारा एक्चुअल सिग्नल को अलग कर दिया जाता था, जिससे हमें एक्चुअल सिग्नल या फिर एक्चुअल मैसेज प्राप्त हो जाता था, ठीक। उसके बाद आ गया आपका ये चैनल। चैनल तो आपको मैंने ही बता ही दिया था, ये सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजने के जो फिजिकल मीडियम यूज होता है उसी को चैनल बोलते हैं, ठीक। वायरलेस सिस्टम में तो एटमॉस्फेयर में को ही चैनल के रूप में यूज किया जाता है, जबकि जो हमारा पहले यूज होता था उसमें आपको बताया था पैरेलल वायर, फिर आया आपका ऐसे उसको क्या बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केयर वायर, फिर आया आपका कोएक्सियल, फिर आया आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपके जो बाल होते हैं उतना पतला लगभग होता है, तो ये सब आपके चैनल हो गए। तो इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग चलते हैं, क्या है चैनल एनकोडर। देखिए ये हमारा है चैनल एनकोडर और डिकोडर। तो चैनल एनकोडर में हमारा क्या होता था, जो हमारा सिग्नल होता था एक्चुअल सिग्नल, मान लीजिए 0 1 0 1 0 0, मान लीजिए बिट में कन्वर्ट हो गया हमारा एक्चुअल सिग्नल है। तो आपने पढ़ा होगा रिटेंडेंसी या फिर रिटेंडेंसी बिट्स, जो कि हमारे सिग्नल को करेक्ट रूप में डिलीवर करने के लिए यूज किया जाए, मतलब इसमें जो डिस्टोर्शन होता है उसको कम करने के लिए। मतलब अगर यहाँ पर रिटेंडेंसी लगा दिया 1, यहाँ पर लगा दिया 1, तो अगर हमारा सिग्नल मिला वहाँ पे 1 0 1 0 1 0 0, तो यहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिग्नल डिस्टोर्टेड है। इसी तरह से इसको इससे बचाव के लिए हमारा जो यूज हुआ वो रिटेंडेंसी बिट्स इसमें यूज किए जाते हैं, मतलब इसमें लगाए जाते हैं ताकि डिस्टोर्शन कम हो और जहाँ पे हमारा सिग्नल मिले वहाँ पे हमें अच्छे से सिग्नल प्राप्त हो, वहाँ पे कोई डिस्टोर्शन ना हो, ठीक, एरर ना हो। एरर जहाँ तक रिटेंडेंसी बिट्स होते हैं एरर को रिमूव करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। और ये तो हमारा हो गया चैनल एनकोडर का। अब डिकोडर में क्या होता है, डिकोडर में होता है कि इन रिटेंडेंसी बिट को निग्लेक्ट कर देता है और जो हमारा एक्चुअल सिग्नल होता है, एक्चुअल सिग्नल हमारा जो होता है उसको वो प्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है, ठीक। अब हमारा आता है अगला टॉपिक जो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, जिसमें माइक्रोवेव यूज किया जाता है। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगों का संचार। अब हमारा जो है आ गया माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में मतलब इसके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, ये यूज की जाती थी। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होते, जिनकी जो है फ्रीक्वेंसी, अभी हम आपको बता रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपका होता था 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, ठीक, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती थी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, ठीक, और इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती कुछ ही मिलीमीटर में होती, मतलब बहुत कम होती थी। एक तरह से जाना जाए तो ये लगभग सीधी रेखा में चलती थी आपकी, ये सीधी रेखा में, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है वो लगभग आपको प्रतीत होता है कि सीधी रेखा में ही चल रही हैं, ठीक। तो इनके कई सी मतलब प्रॉपर्टीज़ के नाते ये कम्युनिकेशन जो है उभरा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माइक्रोवेव जो है अच्छे डायरेक्शन होते हैं, मतलब सीधी दिशा में गति करते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, प्रकाश की तरह सीधी रेखा में गति करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक। और ये प्रकाश पुंज की बात है, एक ही दिशा में बीम, मतलब इसको एक ही दिशा में उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रेषित किया जा सकता है, बीम, लेजर बीम की तरह। कैसे आप लोग बचपन में एक रेड कलर का जो लेजर होता था उससे लगाते थे, तो उसमें मतलब सारी रोशनी को एक ही जगह पर सेंटर पर केंद्रित करके लेजर बीम की तरह यूज किया जाता था। तो इसको ये प्रॉपर्टी भी इसमें थी, क्योंकि अब ये सीधी रेखा में चलती है तो अपने आने वाले मान लो पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया रास्ते में, ठीक, इन सब आने से फैलती या मुड़ती नहीं थी, ठीक है।
और दूसरी बात, इसका जो ट्रांसमिशन रेंज था ठीक, वो भी हमारा लगभग सीमित था, क्योंकि लगभग 50 किलोमीटर के बाद पृथ्वी का जो कर्वेचर है वो आप जानते हैं सर्कुलर है ठीक। तो आपने यहाँ से भेजा तो यहाँ पे यहाँ लड़ सकता है, मान लीजिए थोड़ा और ऊपर से भेजा तो यहाँ पे यहाँ जाने के बाद जो यहाँ पे रिसीवर होगा वही केवल रिसीव कर सकता है, यहाँ के बाद से आपका सीधा ये चला जाएगा तो मुड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी है। तो पृथ्वी गोल है, तो हमारा ये अभी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए अब हम बनाते हैं, पहले देखिए ये पृथ्वी हो गया हमारा, अब यहाँ से एक ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया इसको, जो यहाँ था उसने रिसीव किया, अब यहाँ से बाद ये सीधी चली जाएगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये मुड़ेगी नहीं है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के रेंज में ही ये केवल ट्रांसमिशन कर सकती है, तो ये लिमिट ट्रांसमिशन कर सकती है। अब एक नया टॉपिक देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है ऐसी हाई सिग्नल जो ट्रांसमिट किए जाते हैं वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिससे जैसे आप कोई करंट देखिए, जब किसी धरती में कोई करंट लगा देते हैं तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है, कितना भी हाई करंट रहे उसको अब्जॉर्ब करते, तो वही यहाँ पे भी होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है जो कि ग्राउंड के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जैसे जैसे ये अब्जॉर्ब होता जाता है तो ये जो है लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये ट्रांसमिशन इसका कम हो जाता है, और जहाँ एकदम जीरो हो जाता है वहीं तक इसका ट्रांसमिशन होता है। अब जाहिर सी बात है आपने यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी में भेजा, वहाँ लो मिलेगा तो भी ये दिक्कत ही है, क्योंकि आप डिस्टोर्शन हो जाएगा, आप जितना भेज रहे हैं उतना वहाँ पहुँचे तभी ट्रांसमिशन आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद छेड़ हो जाता है, तो इस घटना को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से इसको ट्रांसमिट किया तो यहाँ पे छेड़ हुआ, तो यहाँ पे हम लगा दिए एक और रिसीवर, यहाँ रिसीवर लगाने के बाद इसको फिर उतना एनर्जी एम्पलीफाई करके इसको इस दिशा में ट्रांसमिट कर दिया, क्योंकि यहाँ से सीधे करेगा तो यहाँ से उसको दूसरा रिसीवर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उसको रिसीवर मिला, तो ये जो होगा उसको रिपीटर बोलते हैं। रिपीटर लगाने के बाद इसका जो ऊर्जा में क्षय होता है उससे बचाव किया जाता है और सिग्नल अच्छे से पहुँच जाता है ठीक। यहाँ पर रिपीटर करता क्या है, रिपीटर आपका उस सिग्नल को रिसीव करके पुनः एम्पलीफाई करके उसको पुनः भेज देता है। अब हम इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी मिला हमको ठीक, फिर ये जाएगा हमारा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर में ठीक, ये हमारा हो गया मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ठीक, और ये जाएगा हमारा एम्पलीफायर में, क्योंकि उसको एम्पलीफाई करेंगे तभी उसकी एनर्जी हाई होगी और उसको ट्रांसमिट करने में आसानी होगी ठीक। तो ये हमारा हो गया एम्पलीफायर, और इसके बाद इसको हम भेज देते हैं एंटीना यानी कि ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर एंटीना से ट्रांसमिट होता है, और यहाँ पे आपका हो गया रिसीवर, रिसीव करने के बाद इसको फिर एम्पलीफाई करता है जितना ज़रूरत होता है, और फिर मॉड्यूलेशन मतलब जितना इधर आपको एलिमेंट मिलेगा उतना इधर भी मिलेगा, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करेगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है तो यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन होगा, जाहिर सी बात है तो तभी हमें एक्चुअल सिग्नल मिलेगा ठीक। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम था। अब आ गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा OFC, तो ये वहीं से, आप लोगों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, OFC आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है तो आप लोग ये जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए ये कम्युनिकेशन करने का वो माध्यम है, मतलब मीडियम है जिसमें जो हमारा सिग्नल मैसेज सिग्नल होता है उसको ऑप्टिकल फाइबर को एज ए कैरियर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में कैसे सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो आप लोगों को पता होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा जाता है ठीक। तो हम लोग इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कुछ है, अब आपको इसमें बताना नहीं है कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें एक एंगल से भेजेंगे जिससे आप वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होगी, फिर ये अंदर ऐसे बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती रहेगी जिससे बिना प्रकाश पुंज छिड़ हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगी ठीक। तो ये सब तो हो गया, आप लोग पता होगा, आप लोग OFC पढ़ के आ रहे हैं ठीक। तो यहाँ पर हम बताएंगे कुछ एलिमेंट जिसमें होते हैं ट्रांसमीटर तो आप लोगों को पता ही है, प्रकाश स्रोत, इसमें जो है इसमें ट्रांसमीटर क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत होता है ठीक, एक प्रकाश होता है जो कि प्रकाश उत्पन्न, क्योंकि इसमें प्रकाश जो
कोई हमारा सिग्नल होता है या फिर इन्फॉर्मेशन है उसको लाइट वेव में भेजा, प्रकाश में कन्वर्ट किया जाता है, उस वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको लाइट में कन्वर्ट किया जाता था, ठीक। तो ट्रांसड्यूसर उसमें लाइट में कन्वर्ट करता था और उस प्रकाश का जो है संचरण होता था। फिर रिसीवर पे जो हमारा होता था वहाँ पे रिसीवर उसको रिसीव करके डिटेक्ट करता था, डिटेक्ट करने के बाद उसको एम्पलीफाई करता था, एम्पलीफाई करने के बाद जो भी अन्य सर्किट हमारे होते थे उसको मतलब वेरीफाई करने के लिए या फिर उसको और भी क्लियरिफाई करने के लिए, तो वो सब अलग से होते हैं, उसके बाद हमारा एक्चुअल सिग्नल हमको मिल जाता था, ठीक। इसी में आपका इंजेक्शन लेजर डायोड यूज होता था, LED यूज होता था, और भी बहुत कुछ, पिन फोटो डायोड यूज होता था, मतलब अगर आपको इसको डिटेक्ट करना है तो फोटो डायोड यूज कर लेते थे आप। तो इस तरह के ऐसे आपको कैसे आप उसको डिटेक्ट करेंगे और कैसे उसको इन्फॉर्मेशन सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये सब आपने हमने बता दिया, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे आप LED यूज करेंगे जो आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा, और वहाँ पे फोटो डिटेक्टर यूज कर लेंगे आप लोग उसको रिसीव करने के लिए, जो कि आपको लाइट को डिटेक्ट करेगा, ठीक। अब हम अगले देखते हैं, और इसका आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम जैसे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, जो हमारा अंतरिक्ष यानी कि स्पेस है, उसमें दो तरह के आपके सैटेलाइट होते हैं। एक होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। जो हमारे पैसिव होते हैं जैसे कि वो मून हो गया, ये केवल रिफ्लेक्टिव बॉडीज होती हैं, मतलब ये केवल जो हमारा सिग्नल होगा उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वहाँ अगर आप सिग्नल भेजेंगे तो वो उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, तो ये केवल यही काम करती हैं। और जो हमारे एक्टिव होते हैं, एक्टिव सैटेलाइट होते हैं, वो उनमें और इनमें क्या अंतर होता है, वो जो है सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं खुद ही, ठीक। और जो हमारा पैसिव होता है वो केवल रिफ्लेक्टिव बॉडी होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया उसमें डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं जो कि हमारा एक्टिव सैटेलाइट होता है, और जो पैसिव सैटेलाइट होता है वो केवल रिफ्लेक्टिव बॉडीज होता है, केवल रिफ्लेक्शन के काम आता है, ठीक। अब आपको इसका पूरा मैटर समझाते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये यहाँ पर कोई सैटेलाइट है, ठीक, सैटेलाइट है, और यहाँ पे आपका कोई एंटीना है, और एक एंटीना यहाँ पे है आपका, ठीक। तो एक एंटीना यहाँ से इसने सिग्नल भेजा इसको, और सिग्नल चाहिए आपको इसको, तो ये यहाँ पे सिग्नल भेजा, तो उसमें सिग्नल कुछ वीक हो जाता है, ठीक, वीक हो जाता है सिग्नल, तो उसको फिर ये एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई किया, और उसके बाद इसको जहाँ भेजना था डेस्टिनेशन पे वहाँ भेज दिया, वहाँ रिसीवर ने इसको रिसीव किया, फिर अगला प्रोसेस आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद ये अपना कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, आप लोगों के बुक में दिया होगा, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा, ये क्लियर नहीं है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक। और अगर आपको ब्लॉक डायग्राम नहीं मिल रहे हैं तो जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग आपस में कुछ इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं आपस में कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें और अच्छे से उसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। तो हम लोग चलते हैं आगे अपने कंटेंट की ओर। यहाँ पे आपको दो टॉपिक और सुनने को मिलेंगे, एक होता है डाउनलिंक, ठीक, और एक होता है अपलिंक, ठीक। जब आप सैटेलाइट से अर्थ की ओर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो वो डाउनलिंक कहलाता है आपका, ठीक, और जब अर्थ से सैटेलाइट की ओर आप ट्रांसमिट करते हैं तो वो आपका कहलाता है अपलिंक। तो ये आप लोगों को क्लियर कर लीजिएगा, डाउनलिंक और अपलिंक क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें कभी कभी आपको परेशानी में डाल सकती हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में ही रहेंगे, चलते हैं हम आगे, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा, जो कि इस बुक का
मेन टॉपिक है मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि चलित, यानी कि मोबाइल चलते हुए हमारा संचार। जो पहले हमारा संचार था जो तार वाला था, ठीक, तार वाले में क्या था, आप टेलीफोन के पास खड़े रहते थे, एक जगह स्थिर रहते थे, ठीक, स्थिर रह के आप बात करते थे, दोनों जगह से आप स्थिर, ये भी स्थिर रहेगा, ये भी स्थिर रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन में आप जानते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में आपको बताना ही क्या है, आप मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं, आप दौड़ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, उतनी तेज़ी से चल रहे हैं, फिर भी आपकी बात होती रहती है। लेकिन पहले क्या था, आप उसके मुकाबले कई गुना यानी कि रुक के आपको बात करना पड़ता था, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, मान लीजिए कोई पूछता है डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की वह सिस्टम है जिसमें दो व्यक्ति या फिर दो कम्युनिकेटर के बीच में कम्युनिकेशन तब स्थापित किया जाता है जबकि दोनों गतिमान यानी कि मूवेबल हों, यानी कि दोनों मोबाइल हों। यहीं से आपका मूवेबल यानी कि यहीं से आपका बना मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि गति में भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें मतलब कई तरह के होते हैं, जिसको इसमें क्या किया गया था कि इसके लिए सेलुलर मोबाइल दूरसंचार तकनीकी का यूज किया गया था, ठीक। सेलुलर क्या होता है, सेलुलर आप लोग बहुत सुने होंगे, सेलुलर क्या होता है, इसमें जो हमारा पूरा अर्थ कर्वेचर है उसको एक हेक्सागोनल सेल में कन्वर्ट कर दिया गया, पूरे जो हमारा अर्थ कर्वेचर है उस फिजिकल उसको हेक्सागोनल सेल में कन्वर्ट किया, तो यही आपका यहीं से आपका बना सेलुलर, ठीक। तो हेक्सागोनल में क्यों कन्वर्ट किया गया, मतलब ये आपका एक रेंज कर दिया गया, हेक्सागोनल उसका क्षेत्र होता था, इसमें आपका एक सबस्टेशन होता था, मतलब एक सबस्टेशन होता था। तो ये सब हम आपको आगे और भी अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पेशेंस रख के आप लोग पढ़ते रहिए। इसका जो बेस स्टेशन होता था, मान लीजिए ये आपके कई सारे हेक्सागोनल सेल हैं, ये आपके कई सारे हेक्सागोनल सेल हैं, ठीक, सबका बेस स्टेशन अलग अलग है। अब कोई व्यक्ति इस हेक्सागोनल सेल में है और वो किसी व्यक्ति को फ़ोन मिला रहा जो कि इस हेक्सागोनल सेल में है, तो ठीक, तो इसका जो है मोबाइल जो है स्कैन करेगा कि कौन सा जो है बेस स्टेशन हमारे पास नज़दीक में है, ठीक। तो जो बेस स्टेशन उसके नज़दीक में होगा पहले उसको ये कनेक्ट करेगा, फिर बेस स्टेशन उसको स्कैन कर वेरीफाई करेगा कि ये यूजर वैलिड है या नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद ये देखेगा कि जो इसका नंबर है, जो इस जिस व्यक्ति के पास इसने मिलाया है नंबर, उसका एक सिम कार्ड होता है आप लोगों को पता ही होगा, तो वो नंबर इस वेरीफाई करेगा कि ये किस बेस स्टेशन का, फिर ये इस बेस स्टेशन को कनेक्ट करेगा, फिर ये बेस स्टेशन को कनेक्ट करने के बाद इसको वो रिक्वेस्ट करेगा, ये उसके बाद उस नंबर को सर्च करेगा कि ये वेरीफाइड है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब ये नंबर है भी या नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये आपका उस मोबाइल पर रिक्वेस्ट भेजेगा कि कॉल आ रही, अगर आप अटेंड करेंगे तो कॉल कनेक्ट हो जाएगी, अगर डिसकनेक्ट कर देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा और बात होने लगी आपकी, ठीक। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो आपको कभी कभी आप कॉल करते होंगे तो बोलता होगा द सब्सक्राइबर यू हैव डायल्ड इज नॉट एग्जिस्ट, तो वो बोलता है कि वो उपलब्ध नहीं है, ठीक। तो ये सब आपके ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं। तो और भी हैं कुछ इस चैप्टर में जो कि हम आपको आगे बताएंगे और मोबाइल के बारे में भी कुछ बताएंगे, तो आप लोग तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।